गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम स्वागत करते हैं आप सभी का राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आज फिर से लाए हैं, जो जो भी आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जीडीपी, मींस की जीडीपी जो है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो जीडीपी है किसी देश का निर्दिष्ट समयावधि में होता है, तो वो क्या होता है? तो ऑप्शन है ए हमारा निवेश की गई कुल राशि, ऑप्शन बी है हमारा सेवा और माल का कुल उत्पादन, ऑप्शन सी है हमारा तैयार माल और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर टू चलते हैं। उत्पादकता किसकी तुलना करती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो किस चीज़ की तुलना करती है? ऑप्शन ए कुल निवेश से उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा, ऑप्शन बी निर्दिष्ट निवेश मात्रा में कुल उत्पादन, ऑप्शन सी औसत निवेश से निर्दिष्ट उत्पादन की तुलना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है हमारा ए, जिसकी कुल निवेश में से उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा। क्वेश्चन नंबर थ्री चलते हैं। यदि किसी देश का जीडीपी वृद्धि दर्शाता है तो इसे हित होगा, इससे हमारा क्या हित होगा? मतलब यदि किसी कोई देश है उसका अगर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अगर हमें दर्शाई जाती है तो उससे हमारा क्या हित होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो उस देश के उद्योग का, देश के श्रमिक बलों का, पूरे समाज का, या फिर ऑप्शन डी उक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है जो थ्री का वो क्या होगा, पूरे समाज का हित होगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं हम। शेयर बाजार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी सीधा संकेत है, जो शेयर बाजार में कौन सा है? तो ऑप्शन ए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में सुधार, ऑप्शन सी श्रम कानूनों में बदलाव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में सुधार। क्वेश्चन नंबर फाइव चलते हैं हम। कार्य प्रोत्साहन के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए प्रोत्साहन राशि और वेतन बराबर, ऑप्शन बी प्रोत्साहन राशि नगद भी हो सकती है और गैर मौद्रिक भी, ऑप्शन सी प्रोत्साहन कार्य क्षमता पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फाइव का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि जिन्होंने भी अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन की है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 9060582842। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम चलते हैं। किसी कर्मी द्वारा एक काम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करके कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करने में सक्षम होने को निम्न में किससे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी विशेषज्ञता, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी विशेषज्ञता। क्वेश्चन नंबर सेवन चलते हैं हम। उत्पादकता बोनस मीन्स, उत्पादकता बोनस मीन्स कि अधिलाभ होते हैं। ऑप्शन ए अपनी पारी में निपुणता के लिए पुरस्कार, ऑप्शन बी ओवरटाइम के लिए भुगतान, ऑप्शन सी वार्षिक उत्पादन वृद्धि लिबी, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो हमारा सेवन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर एट चलते हैं। उत्पादकता में लगातार वृद्धि से क्या प्राप्त होती है हमें? तो ऑप्शन ए है हमारा उच्च क्रय शक्ति, ऑप्शन बी शेयर धारकों के लाभ में वृद्धि, ऑप्शन सी उक्त ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन एट का राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी उक्त ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नाइन चलते हैं हम। निम्न में क्या कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करता? ऑप्शन ए प्रोत्साहन के रूप में नगद राशि, ऑप्शन बी सामाजिक प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास और वृद्धि की संभावना, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो नाइन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी।
देन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में क्या कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करता? ऑप्शन ए प्रोत्साहन के रूप में नगद राशि, ऑप्शन बी सामयिक प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास और वृद्धि की संभावना, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी सामयिक प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, मशीनों पर काम करने वाले कर्मियों को निम्न में किसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है? मीन्स कि जो भी वर्कर जो मशीन पर कार्य करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए तकनीकी कौशल, ऑप्शन बी अंतर व्यक्तित्व कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा, मीन्स टेक्निकल स्किल। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, निम्न में कौन से कौशल के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की संभावना है? ऑप्शन ए सामान्य कौशल, ऑप्शन बी विशिष्ट कौशल, ऑप्शन सी शैक्षिक कौशल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? हमारा सामान्य कौशल। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं हम, निम्न में से किस कारक का उत्पादकता पर प्रभाव होता है? ऑप्शन ए सरकारी नीतियों में बदलाव, ऑप्शन बी बाजार रुझानों में परिवर्तन, ऑप्शन सी तकनीकों और स्वचालीकरण में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम, निम्न में क्या सत्य है मीन्स कि इसमें से क्या है वो जो राइट है? ऑप्शन ए स्वचालीकरण का प्रयोग वांछनीय नहीं है, ऑप्शन बी स्वचालीकरण मानवीय हस्तक्षेप कम कर देता है, ऑप्शन सी स्वचालीकरण के प्रयोग से उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। थैंक यू टू ऑल। हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छी उसमें तैयारी चल रही है आईटीआई एग्जाम की, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।